Good morning. In this video, we will discuss about to the angle. Angle in between to the chord and the radius. So, last ki video mein hum logon ne dekha ki jo quadrilateral jo aapka banta hai, to uske four angles ka sum jo hoga, wo 360 degree hoga, right? To yahan theta jo hai, wo ye angle hai, at T. पी टी क्यू एंगल जो है वो थीटा है. कुछ केसेज में ये एंगल थीटा गिवन होगा और ये एंगल थीटा थ्री जो है वो पूछते हैं, जो कि पी ओ क्यू है, राइट. इस एंगल को पूछते हैं. लेकिन कुछ केसेज में क्या होगा कि थीटा गिवन होगा और ये जो कोड है, कोड और रेडियस के बीच ये जो एंगल है थीटा, इसको पूछते हैं, राइट, ये कितना होगा. तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक टिप है आपके लिए कि अगर दो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टच द कोर्ड, तो इस केस में रेडियस एंड कोर्ड के बीच दोनों एंड पर बने एंगल सेम होंगे. दोनों एंड पर एक पी और एक क्यू, ये दो एंड है कोर्ड के. तो यहाँ जब रेडियस को आप ज्वाइन करते हैं इसको, तो इसके बीच एंगल जो थीटा वन है, इस एंड पर जब इस रेडियस को आप ज्वाइन करते हैं, तो इसके बीच जो एंगल है थीटा टू, तो थीटा वन और थीटा टू इक्वल होंगे, क्योंकि जो रेडियस है, ये जो साइड है ऑफ द ट्राइंगल और ये जो साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो सेम है, राइट. तो हमको करना क्या है, मैं अभी आपको बोल चुका था कि दो प्रॉब्लम इससे जुड़ती हैं. एक, अगर ये एंगल गिवन है तो फाइंड आउट दिस एंगल थीटा थ्री कितना होगा. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको थीटा गिवन है और ये थीटा वन पूछ लिया है या थीटा टू पूछ लिया है, जो कि एंगल इन बिटवीन द रेडियस एंड कोर्ड के है. तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसको आप देख रहे हैं कि ये टी पॉइंट से स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और इस तरीके से ये टी से यहाँ क्यू पॉइंट है, और ये फिर आपका ओ पॉइंट है. तो ये जो एंगल थीटा है ये गिवन है, ये जो एंगल होगा आपका वो 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा. ये वेल नोन है, क्योंकि आपका टी पी जो है टेंजेंट है, और टेंजेंट से जब आप रेडियस को सेंटर को ज्वाइन करते हैं इस लाइन के थ्रू, तो ये लाइन और टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. तो विजुअलाइजेशन में ऐसा नहीं है, राइट. तो ये दोनों एंगल जो आपके वो 90 डिग्री के हैं, ये थीटा गिवन होगा. तो क्या आप इसको एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस एंगल और इन दो का सम प्लस इसका फोर्थ का वो 360 के इक्वल होगा. देन दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट इट. ये 90 डिग्री के हुए और ये गिवन है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो एक तो कंसेप्ट आपको ये अपने माइंड में रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये दिया हुआ है, इसके जो सभी एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री है. तो अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे. और दूसरा पॉइंट, जब मैं आपको बोल रहा था कि अगर वो पूछते हैं कि इस पी पॉइंट पर ये जो एंगल डेवलप हुआ इन बिटवीन कोर्ड एंड रेडियस, इसको फाइंड आउट करें, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले पॉइंट पे मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है, और दूसरे पॉइंट पर अब ये ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये जो ट्राइंगल है, राइट. तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है, और किसी भी ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री जो है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि इस ट्राइंगल की ये जो टू साइड्स हैं वो इक्वल हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो थीटा वन और थीटा टू होगा ये एंगल सेम होंगे. तो हम लिख सकते हैं कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, सो थीटा वन, थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा थ्री. तो 2 थीटा 1 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इफ यू नो अबाउट थीटा 3, ये जो थीटा 3 एंगल है, अगर आपको इसका पता है तो आप जो है थीटा 1 फाइंड आउट कर सकते हैं या थीटा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ थीटा 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं ये इस
पॉइंट से बता चुका हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, उसके थ्रू आप थीटा थ्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको थीटा वन थीटा टू पूछते हैं, राइट, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस कंसेप्ट को यूज करना होगा, और उसके बाद इस ट्राइंगल को यूज करके, जैसा कि यहाँ 180 डिग्री लिख दिया है, राइट, इन तीन एंगल का सम, और फिर थीटा वन थीटा टू को इक्वल करना है, फिर वो थीटा वन आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाई दिस वे। तो लेट अस सी वन एग्जाम्पल। अब पी क्यू एंड पी आर इन दिस पिक्चर आर टू टेंजेंट्स, ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, और पी क्यू और ये पी आर आपके टू टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। और क्यू पी आर ये जो एंगल दिया हुआ है, पी जो एंगल है वो कितना दिया है, पी गिवन है 46 डिग्री। देन कैलकुलेट क्यू ओ आर, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है क्यू ओ आर, राइट, ये कितना होगा। तो वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल दिस यू कैन से दिस पी क्यू ओ एंड आर, राइट, एंड सम ऑफ दीज एंगल्स, एंगल ऑफ पी प्लस एंगल ऑफ क्यू प्लस एंगल ऑफ ओ प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सो यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये रेडियस है, राइट, ऑफ द सर्कल, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट से जब आप सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल डेवलप करती है, राइट। तो ये मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, बताया है, ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये आपके 90-90 के हुए, ये एंगल गिवन है, तो एंगल पी कितना है, ये गिवन है 46 डिग्री। क्यू कितना है, वो 90 डिग्री गिवन है। ओ कितना है, वो फाइंड आउट करना है। आर कितना है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो नाउ दिस इज 90-90, 180 एंड 180 एंड दिस इज 226। सो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस हाउ मच, 226। दिस इज द एंगल, रिक्वायर्ड एंगल। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, दिस इज 4, दिस इज 3, 34 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑफ 134 डिग्री, राइट। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम पी ए एंड पी बी। नाउ द एक्सटर्नल पॉइंट इज दिस साइड, दिस पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद द सेंटर ओ सच दैट ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री, राइट द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, राइट। सो दिस इज द कोण, दिस इज द रेडियस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। सो बट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेम वे जैसे कि आपने लास्ट इस प्रॉब्लम में किया था, इस एंगल को फाइंड आउट करना है, राइट। और वो कैसे होगा, वो क्वाड्रिलेटरल जो अप्रोच है वो उसके थ्रू होगा। तो देखते हैं क्वाड्रिलेटरल जो अप्रोच है हम लोगों का, तो पी ए ओ बी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पी ए है, ये ए ओ है, ये ओ बी है, और ये पी बी है। तो यहाँ इंटरसेक्ट जो है वो ए पॉइंट पर है, और यहाँ से जब आप ओ सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन होगी ये रेडियस के इक्वल होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल डेवलप करती है टेंजेंट के साथ में, राइट। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। ये एंगल भी सिमिलर है, तो ये भी 90 डिग्री का है, राइट, एट दिस पॉइंट पी। तो क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी पी ये जो आपका है, तो यहाँ एंगल जो दिया है पी सबसे पहले, फिर उसके बाद में एंगल ए, फिर एंगल आपका ओ, एंड देन आफ्टर ये एंगल आपका बी, राइट। और इनका सम कितना है, 360 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ जो भी वैल्यूज गिवन है,
राइट वो हम लोग लिख लेंगे, तो पी जो है दैट इज ऑफ 50 डिग्री एंड प्लस एंगल ए इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल ओ वी हैव टू फाइंड आउट प्लस पी इज ऑफ 90 डिग्री दैट इज 360 डिग्री, सम ऑफ दिस, सो दिस इज 90 90 180 एंड दिस इज 230, सो एंगल ओ विल बी ऑफ 360 माइनस 230 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 3 1 130 डिग्री. सो नाउ यू हैव द आइडिया ऑफ दिस एंगल एंड दैट इज ऑफ 130 डिग्री. सो नाउ कंसिडर द ट्राइंगल ए ओ एंड बी. इन दिस ट्राइंगल द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए प्लस ओ प्लस बी ये कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, राइट. एंड यू नो दैट ए जो एंगल है वो किसके इक्वल है, वो एंगल ऑफ बी के इक्वल है, क्योंकि जो ये टू साइड्स हैं ट्राइंगल की ओ ए एंड ओ बी वो इक्वल हैं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है. तो यहाँ ए प्लस बी जो होगा वो आप लिख सकते हैं, अगर इसको थीटा कहा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये क्या हुआ, टू थीटा. तो टू थीटा प्लस एंगल ऑफ ओ दैट इज ऑफ 130 डिग्री. तो आप इसको डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं 130 डिग्री टू थीटा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. सो टू थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री एंड द डिफरेंस इज इक्वल टू ऑफ 50 डिग्री. सो थीटा विल बी इक्वल टू 50/2, सो दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एंगल्स इन बिटवीन द कोर्ड एंड द रेडियस. सो ये बेसिक आइडिया था कि अगर यहाँ आपको कोई फोर्थ है ये एंगल एट द सेंटर पूछते हैं या कोर्ड और रेडियस के बीच एंगल पूछते हैं तो वहाँ ये कंसेप्ट आपको यूज करना है, राइट. सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए दूसरी टिप के लिए आप देखते रहिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इन द मैसेज बॉक्स. सो थैंक्स फॉर योर टाइम.